इसे इतना परेशान आपको कभी देखा नहीं है। तब रामीन भी पूछ रही थी बाबा को क्या हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा। आप कभी इस तरह हुए नहीं है ना, आप अगर शेयर कर लें तो मसला है, प्लीज। क्या बता, मुझसे कोई सवाल करने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए, दोनों के लिए यही बेहतर है कि मुझसे कोई सवाल ना करना। और एक बात और बता दो बेटी, इस घर में तो मैं उसकी शादी नहीं किसी भी सूरत में। शाहनवाज, मेरी और आपकी प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे, वो तो शायद कभी ठीक ना होगा, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं शाजिर को एक कामयाब आदमी देखना चाहती हूँ। वो इस वक्त अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है और मुझे डर है कि कहीं वो कोई गलती ना कर बैठे। कहना क्या चाहती हो, बॉटम लाइन? वो उस लड़की के जाल में बुरी तरह फंस चुका है और मुझे वो लोग कुछ ठीक नहीं लगे। ढके छुपे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर, साफ साफ कहो बात क्या है। शाहनवाज, आपसे बात करना इतना आसान तो नहीं है, मैं आपसे मशवरा करना चाहती थी लेकिन आप देखो ताबिंदा, आई एम सो सॉरी, तुम एक अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकी, लेकिन मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि तुम एक अच्छी माँ हो। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं तो साफ साफ इनकार कर दो। नहीं कर सकती, इसलिए कि मैं सुतेली हूं। सुतेली माँ सुतेली ही होती है, उसके फैसले भी सुतेले होते हैं। आज मैं कोई फैसला करती हूँ तो दुनिया यही कहेगी कि मैंने शाजिर की खुशी का ख्याल नहीं रखा। तो तुम्हें एतराज किस बात का है? मैंने उस फैमिली के बारे में पता कराया है। रामीन के फादर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और पैसे की लालच में अपनी बीवी से उन्होंने शादी की थी और फिर बाद में चलाकी से, धोखे से या जिस तरीके से भी सब कुछ अपने नाम करवा लिया था, यही पता चला है मुझे। और अब रामीन की इस तरह शाजर से शादी, पता नहीं उन लोगों के जहन में क्या है। मैं बस आपकी नॉलेज में लाना चाहती थी। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, मैंने बहुत थरली पता करवाया है, मुझे यही बातें पता चली हैं, इसलिए मैं परेशान और आपसे मशवरा करना चाहती हूँ। मैं ये तो तूने बड़ी अजीब बात बताई है, उमर हसन की बेटी और तेरा बेटा, ये तो सहपा ही रह गया है। मेरे लिए भी बहुत बड़ा शौक है, वो शख्स जिसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, मंगनी तोड़ दी, एक मालदार औरत को छोड़ दिया, उसकी बेटी ब्याह कर मेरे घर में आएगी, नामुमकिन। तू जो मर्जी कर ले, लेकिन फैसला तो शाहनवाज ने ही करना है ना, वो उसका सगा बाप है और तू तो है सौतेली माँ। नहीं, ऐसा नहीं, इनकार शाहनवाज की तरफ से ही होगा, फिक्र न कर। वो क्यों इनकार करेगा भाई, बस कुछ सोचना पड़ेगा। अगर उसे मालूम हो गया कि सारे मामले के पीछे तेरा हाथ है तो सोच समझ के कदम उठाना, जो भी करना है। देखते हैं क्या करना है, देखते हैं।